नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं द फंडा बॉक्स की स्पेशल वैल्यू एडिशन सीरीज के साथ, जहां पे हम देंगे आपको आरएस मेंस के लिए स्पेशल टिप्स और आपको समझाएंगे कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के स्पेशल टॉपिक्स। तो सबसे पहले जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं वो है कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज एंड लैंड लॉज। कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज एंड लैंड लॉज आपके पेपर तीन के भाग तीन के पार्ट सी का पार्ट है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे हम काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस है, सबसे पहले है कंटेम्पररी लीगल इश्यूज जो कि हम देखने वाले हैं अलग अलग पार्ट्स में, जिसमें है आरटीआई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज, साइबर क्राइम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और का मेन चीज जो देखेंगे वो देखेंगे ये सारे के सारे जो लीगल इश्यूज हैं ये बेस्ड हैं आपके राइट्स के ऊपर। और किस तरह की राइट्स के ऊपर बेस्ड है? आपके बौद्धिक राइट्स के ऊपर, आपके जानने के अधिकार के ऊपर, आपके एक्सप्रेशंस और स्पीच से रिलेटेड, जो कि आपकी इग्नोरेंस को दूर करते हैं। तो बेसिकली आरपीएससी चाहती है कि आप अपनी इग्नोरेंस को दूर करते हुए इस रियाम में उतरे, खुद भी ट्रांसपेरेंट बनाए और बने और सिस्टम को भी ट्रांसपेरेंट बनाए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम मूव करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरटीआई। RTI is right to information 2005 में आया था और जैसे कि ये भाई साहब कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन लोगों से बच के रहिए जो कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि वो आपको अपने ड्रीम्स में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते, क्योंकि वो अपने आप को शहंशाह समझते हैं, क्योंकि वो अपने आप को ब्यूरोक्रेट समझते हैं, क्योंकि वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं। तो इस तरह के लोगों से हमें बच के रहना है। और इसी तर्ज पर स्वीडन और नॉर्वे नॉर्डिक कंट्री से चालू हुआ, वहां पे सबसे पहले आरटीआई आया ट्रांसपेरेंसी के लिए। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी अलग अलग कमिटीज में आती है। अगर हम देखें एक दो कमिटीज की हम अगर बात करें तो नोलान कमिटी ट्रांसपेरेंसी को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताती है, सेकंड एआरसी ट्रांसपेरेंसी को इंपॉर्टेंट पार्ट बताती है और वर्ल्ड बैंक ट्रांसपेरेंसी को इंपॉर्टेंट पार्ट बताता है। ये किस चीज में इंपॉर्टेंट पार्ट बताते हैं? गुड गवर्नेंस में। तो देखिए, सेकंड एआरसी को अगर आपको याद रखना है वो गुड गवर्नेंस के कौन कौन से रूल देते हैं, तो वो है SMART, स्मार्ट गवर्नेंस कीजिए, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस की आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक भी जो बोलता है वो बोलता है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस, अकाउंटेबिलिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, EETRAP, अगर आपको वर्ल्ड बैंक की गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन को याद रखना है। तो अगर आपको सेकंड एआरसी की डेफिनेशन को याद रखना है, देन इट्स सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, स्मार्ट गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सेकंड एआरसी का पहला चैप्टर है आरटीआई, और सेकंड एआरसी के पहले चैप्टर में आपका आरटीआई के सेकंड एआरसी क्या कहती है? सेकंड एआरसी कहती है दैट आरटीआई और द ट्रांसपेरेंसी इज कॉर्नरस्टोन टू गुड गवर्नेंस। कॉर्नरस्टोन एक क्वेश्चन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जो कि यूज होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज के लिए। तो सेकंड एआरसी बोलती है कि ट्रांसपेरेंसी ही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट इज द कॉर्नरस्टोन। तो स्ट्रेट अवे हम स्टार्ट करेंगे कि आरटीआई के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं, और फिर हम मूव करेंगे हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो आरटीआई के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस, सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन क्या है? सेक्शन 3, ऑल सिटीजंस हैव द राइट, सारे सिटीजंस को अधिकार है। सेक्शन 4, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करना है अथॉरिटीज को, ये नहीं कि एप्लीकेशन और चिट्ठी आने का वेट करना है, नहीं, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर करना है। और जो सेकेंड एआरसी का विजन था वो ये था कि 95% इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो सुओ मोटो डिक्लेयर की जा सकती है। तो सेक्शन 4 के अंदर आप उस इंफॉर्मेशन को सुओ मोटो डिक्लेरेशन पे रखिए। सेक्शन 6 आता है रिक्वेस्ट फॉर ऑप्टेनिंग इंफॉर्मेशन, जिसमें किस प्रकार से, किस प्रारूप में, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए दे, क्या किस किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, आपकी रिक्वेस्ट को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, ये सेक्शन 7 बताता है। सेक्शन 8 बात करता है एग्जेम्पशंस की, और ये है सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन। इसमें सेकंड एआरसी और बहुत सारी और कमिटीज कहती हैं कि एग्जेम्पशंस मिनिमम होने चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे, जैसे CJI ने करेंटली अपने ऊपर जो एग्जेम्पशन था, CJI ऑफिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस एग्जेम्प्टेड था
उस ऑफिस को कुछ इंफॉर्मेशन के लिए एग्जेम्पशन से हटा लिया है, खुद आगे आके कई सारी बॉडीज एग्जेम्पशंस के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही है। देन अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पीआईओ के अधिकार के हिसाब से, पहली अपील 19(1) के अंतर्गत होती है, दूसरी अपील 19(3) के अंतर्गत होती है, फर्स्ट अपील 19(1), सेकंड अपील 19(3) और सेक्शन 20 में पेनल्टीज और डिसिप्लिनरी एक्शंस किसके अगेंस्ट, दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट्स या फिर ब्यूरोक्रेट्स, और दूसरा कोई अगर सिटीजन जो कि मैलाफाइड इंटेंशंस के साथ मांगता है तो प्राइमरली तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अगेंस्ट, तो सिटीजन के अगेंस्ट भी हो सकता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले चालू करते हैं, क्योंकि पेपर की डिमांड को देखा जाए तो ये जो सेक्शन आता है या ये जो चीज आ रही है इसमें सिर्फ दो तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल है, पहला है 2 नंबर इक्वेशन और दूसरा है 5 नंबर इक्वेशन, तो मतलब मोर और लेस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन और कम शब्दों में या फिर छोटी छोटी नॉलेज जानने वाले क्वेश्चन आना ज्यादा संभावित है, तो इसलिए हमने बनाए हैं आपके लिए 10 से 15 छोटे छोटे क्वेश्चन। पहले 2 नंबर के एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं आपको जो कि इंपॉर्टेंट लगे, तो 2 नंबर के जो सबसे बेसिक क्वेश्चन हो सकता है कि सीआईसी कौन है, तो सीआईसी कौन है आपके, सिन्हा जी, वाई के सिन्हा जी, ये आपके सीआईसी है। और आपके एसआईसी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या राजस्थान में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है, कमिश्नर कौन है, वो है डीबी गुप्ता जी। तो डीबी गुप्ता जी अर्स्टवाइल चीफ सेक्रेटरी भी थे और अब करेंटली चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर, और सेंटर में वाई के सिन्हा जी हैं। ये हमारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन हुए। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे हमारे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो है आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। जैसे कि अब हम जल्दी जल्दी देखते जाते हैं, आरटीआई अधिनियम लागू हुआ 12 अक्टूबर 2005 को, डेट के साथ स्पेसिफिक रखिएगा 12 अक्टूबर 2005। और मैक्सिमम सेक्शंस अगर आप ये भी बता पाए साथ में कि कौन कौन से सेक्शन उसी टाइम लागू हो गए तो इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। जैसे कि लोक प्राधिकारियों की प्रतिबद्धताएं, क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, लोक सूचना अधिकारी और सहायक लोक सूचना अधिकारी पीआईओ जिसको हम बोलते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एंड एपीआईओ, उनकी नियुक्ति पदनाम कैसे रहेंगे, और सुरक्षा एजेंसीज इन पे लागू नहीं होगा सेक्शन 8। मैं आपको सेक्शन बार बार याद दिलाता रहूंगा ताकि आपको याद रहे, ये एग्जेम्पशन वाला सेक्शन भी तभी प्रभावी हो गया था, एग्जेम्पशन सबसे पहले प्रभावी होता है। सूचना का क्या मतलब है, बेसिक डेफिनेशन है, हिंदी हो या इंग्लिश हो रट लीजिएगा, किसी भी रूप में कोई भी सामग्री जिसमें डैश 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 प्रतिवेदन रिकॉर्ड स्मरण ईमेल सलाह प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र हर चीज आएगी। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या मीटिंग ऑफ मिनट्स आते हैं, मीटिंग मिनट्स जिसकी हम बात करते हैं कि कोई मीटिंग हुई उसके मिनट्स आएंगे, तो नहीं आएंगे, अभी तक इसका प्रावधान नहीं है। आगे चल के एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हो सकता है वो चीज आ जाए। तो इस तरह की कोई भी सामग्री और किसी भी सरकार या सरकार से जुड़ी संस्था के से जुड़ी सूचना अगर मांगी जाए तो वो लोक प्राधिकरण में की पहुंच में हो। आरटीआई में फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सेक्शन है तो वो है सेक्शन 8, और सेक्शन 8 को ही हमें देखना होगा सबसे अच्छी तरह से। सेक्शन 8 किस चीज के बारे में बात करता है, वो कहता है किस चीज का खुलासा नहीं किया जा सकता। तो अगर आप विवेक लगाएंगे थोड़ा तो आपको ये चीजें दिखेंगी कि अगर एकता और संप्रभुता को खतरा हो, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अगर खतरा हो तो नहीं हो सकता। उसके अलावा अगर आप दूसरा सोचेंगे तो जितनी भी आपकी खुफिया एजेंसीज हैं उनका नाम खुफिया है, उनका सीक्रेट इंटेलिजेंस वर्ड अगर आगे लगा हुआ है तो रॉ से लेके आईबी से लेके कोई भी अन्वेषण ब्यूरो हो गया या आपका रेवेन्यू रिसर्च हो गया, इस तरह की चीजों की कभी आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। तो सीक्रेट चीज जहां जहां आप लगा सकते हैं लगा दीजिए। आर्मी कहीं ना कहीं कंप्लीटली अलग रहेगी इससे एज यूजुअल, और उसके अलावा जुडिशरी लिमिटेड रूप से, जुडिशरी में काफी सारी चीजें हैं जो ओपन ट्रांसपेरेंसी में रहेगी, जो फाइनेंशियल एंड अदर थिंग्स है, पर कुछ चीजें जुडिशरी की इस छूट के प्रावधानों के अंदर आएगी। ये बेसिकली आप सोच के लगा सकते हैं, और अगर आपको इसके सब सेक्शंस की जानकारी चाहिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मात्र 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। आगे हम इसमें देख लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी इससे छूटे हुए हैं, तो इसको आप सजेशन में भी डाल सकते हैं बाद में कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को तो कम से कम इंक्लूड करना ही चाहिए। नेक्स्ट,
ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है, या बौद्धिक अधिकार, ये वो सारी चीजें भी इससे छूटी हुई है। फॉरेन रिलेशंस में अगर आपकी कोई डील हुई है, कोई बात हुई है, वो इससे छूटी हुई है, ठीक है। और पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ फ्रेंड्स आरटीआई जो है इसके साथ एक और राइट है, वो है आरटीपी। आरटीपी कहती है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। ये भी 21 आर्टिकल 21 का अधिकार है, एक तरह से केएस पुट्टा स्वामी केस, याद रखिएगा। तो इसका भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। तो अगर निजता कहीं पे हनन होती है, निजता का कहीं पे हनन होता है, तो आपको वो नहीं देना। मतलब अगर ऑफिशियल की पर्सनल चीजें पूछी जाती हैं, तो वो सिर्फ आप उसके कंसेंट से ही दे सकते हैं। ये भी आरटीआई के अंदर दिया हुआ है। मीटिंग मिनट्स भी इससे थोड़े किसी लेवल तक छूटे हुए हैं, जरूरी नहीं कि आप मीटिंग मिनट्स को भी दें। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरटीआई के अंदर कौन कौन नहीं आता, एक चीज हो गई कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर। ये दोनों क्वेश्चन लगभग परस्पर मिले हुए हैं, तो आप समझेंगे। तो एक क्वेश्चन कहता है कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, तो किस किस की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है वो तो बात अलग हो गई, क्योंकि वो तो आता ही नहीं आरटीआई एक्ट के अंदर। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, तो ये हमने देखा था कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अब हम देखेंगे कौन आरटीआई एक्ट के अंदर ही नहीं आता। तो कौन नहीं आता, जैसा हमने बात किया, जिसकी आगे सीक्रेट लग गया, जांच एजेंसियां, जांच एवं सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह बाहर, या फिर अधिसूचना से अगर कोई विशेषाधिकृत एजेंसीज बन गई हो, पुलिस का कोई पर्टिकुलर इंटेलिजेंस विंग बन गया, कोई रेवेन्यू रिसर्च विंग बन गया, जैसे कि राजस्थान में है एक डिपार्टमेंट फॉर रेवेन्यू इंटेलिजेंस, तो इस तरह के अगर कुछ विंग्स बन चुके हैं तो वो भी नहीं आएंगे। और वो क्यों नहीं आएंगे, इट इज वेल सीन, बहुत ही इजिली विजिबल है, क्योंकि वो बने ही इंटेलिजेंस के लिए है, तो सीक्रेसी उनकी उसके अंदर है। इसके अलावा एक चीज और है जिसका आरटीआई के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशन है। एक एक्ट है, उस एक्ट को कहते हैं ओएसए 1923, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट 1923। ये एक्ट भी आपके आरटीआई के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग है। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ओएसए के अंदर आती है, जो कि सीक्रेसी के अंदर आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीएम सीक्रेसी की शपथ खाते हैं, और वो सीक्रेसी की शपथ कहां से आती है, वो डिराइव हो रही है आपकी ओएसए से, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट से, या आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी सीक्रेसी की कई बार शपथ खाते हैं, तो इस सारे केसेस की या ओएसए के साथ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके आरटीआई के अंदर आपको नहीं देनी है। लेकिन इसके अंदर एक और क्लॉज है, वो क्लॉज ये है कि सेकंड एआरसी ने ये रिकमेंड किया है कि जहां भी ओएसए और आरटीआई में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो आरटीआई को विजेता माना जाएगा और आरटीआई की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, लागू होना है। सजेशन देना है, सजेशन किसको देना है, सजेशन आपको देना है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेंड्स, लोक सूचना अधिकारी कौन है। अब बेसिक क्वेश्चन है ये, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऐसा ऑफिसर जो कि इंफॉर्मेशन या तो रखता है, या तो ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन तो गवर्नमेंट ही है वैसे, लेकिन या जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, या गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, या तो वो, या उसके द्वारा डेलीगेट किया गया कोई भी ऑफिसर जिसको सहायता कर रहा है एपीआईओ, ऐसा कोई भी ऑफिसर आपका लोक सूचना अधिकारी बन सकता है। उसके क्या क्या ड्यूटीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक सूचना अधिकारी क्या है ये आप लिख सकते हैं। उसकी ड्यूटी है कि जहां भी, एक तो सारे फॉर्मेट चेक करे, इंफॉर्मेशन को कंपाइल करे, इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर करे, ऑर्गेनाइज करे, जिसके लिए टर्म यूज किया है आरटीआई ने बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जहां पे जो भी आपका बिजनेस है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो भी लिखा है, या जो भी सारी चीजें हैं, उनको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, और ऑर्गेनाइज करने के बाद जब भी जो रिकॉर्ड मांगा जाएगा या ऑर्गेनाइज करवाएंगे, और वो रिकॉर्ड समयबद्ध तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये बेसिक मतलब है आपके बेसिक कर्तव्य है। और अगर इस कर्तव्य का पालन नहीं होता है तो क्या है, सेक्शन 20 के अंदर पेनल्टी, सेक्शंस बार बार आपको रिवाइज करवाए जाएंगे। कब कब इन्फॉर्मेशन देनी है, ये तो हमने देख लिया कि इन्फॉर्मेशन देनी है बीपीआर करवाना है, 30 दिनों के अंदर इन्फॉर्मेशन देनी है। सेक्शन 8 और 9 के अंतर्गत आप खारिज कर पाओगे। सेक्शन 8 क्या है, वापस से एग्जेम्पशन वाला सेक्शन है। सेक्शन 8, अगर किसी पर्सन से संबंधित सूचना है तो जैसा हमने देखा वो भी एग्जेम्प्ट है, तो अगेन वो नहीं देनी है, ठीक है। तो ये चीज चेक करनी है कि इन्फॉर्मेशन दे है या दे नहीं है,
और उसके अलावा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अगर इंफॉर्मेशन आपकी देय है तो आपको 30 दिन में देनी है, नहीं दे है तो तुरंत खारिज करके लौटाना है, और उस खारिज करने के बाद अपील हो पाएगी फर्स्ट एपिलेट सेकंड एपिलेट में, और फर्स्ट एपिलेट और सेकंड एपिलेट के आप जो सेक्शंस हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि ये सेक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूचना प्राप्ति की समयावधि क्या है। हमने ऊपर अभी अभी यही चीज देखी है कि सूचना प्राप्ति की समयावधि 30 दिन है, इसके कुछ रेट्स फिक्स हैं और उस रेट्स के अंदर आपको देना होगा। व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित लेकिन अगर कोई सूचना है तो वो आपको 48 घंटों के भीतर देनी पड़ेगी, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि उसके से संबंधित है या नहीं है, इसका फैसला करेगा लोक सूचना अधिकारी। तो लोक सूचना अधिकारी के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो कितने दिन में देगा। 30 दिन में तब देगा जब नॉर्मल सूचना है, 48 घंटों में तब देगा जब जीवन से जुड़ी हुई कोई सूचना है। 5 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, कब, अगर सूचना प्राप्ति का आवेदन एपीआईओ को दिया गया है। अगर पीआईओ को दिया गया है तो 30 दिन, एपीआईओ को दे दिया है तो 35 दिन, और अगर उस टाइम पे सूचना नहीं प्रोवाइड करी तो ये माना जाएगा कि आपने सूचना नहीं दी है और आपको देनी होगी पेनल्टी, सेक्शन 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना प्रदान करने की अस्वीकृति के क्या आधार है। तो पहला आधार एग्जेम्पशन है तो खारिज कर दीजिए, सेक्शन 8, ठीक है। कॉपीराइट का उल्लंघन है, बौद्धिक आपकी प्रॉपर्टी का उल्लंघन है तो सेक्शन 9 कॉपीराइट उल्लंघन के लिए, ठीक है। ये दो ही सेक्शन है और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, एग्जेम्पशन सारे आपके तभी दे दिए। हम एक ही क्वेश्चन को अलग अलग रूप से घुमा के बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं 9 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन में सेक्शन 8 आया है, तो सेक्शन 8 को रट लेना है एकदम, और उसके साथ उसके कुछ रिकमेंडेशंस को रट लेना है। नेक्स्ट, अपीलीय प्राधिकारी कौन है। पीआईओ से उच्च पद स्थापित पर जो भी अधिकारी है वो अपीलीय प्राधिकारी है। द्वितीय अपील कौन है, द्वितीय अपील आपके सीआईसी या एसआईसी चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में ही होगा और 90 दिन के भीतर करना होगा, ठीक है। तो अगर और 90 दिन के भीतर नहीं हुआ तो मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं, अगर कोई ऐसी मेरे को चीज लगी डिस्क्रिशन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के ऊपर है, अगर आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को लगता है कि नहीं इस सूचना के लिए अतिरिक्त का इस अपील के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी तो वो अतिरिक्त समय दे सकते हैं अथवा मुरब्बर चाहे तो नहीं दे सकते। यह सिद्ध करने का भार भी पीआईओ पर होगा कि सूचना देने से मना ही न्यायोचित थी। मतलब आपने मना तो कर दिया कि यार इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन ये आपको प्रूफ करना होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, यह आपका जिसने सूचना मांगी है वो प्रूफ नहीं करेगा, या आप प्रूव करेंगे कि सूचना न्यायोचित नहीं थी या सेक्शन 8 में एग्जाम थी इसलिए मैंने कर दी, ये प्रूफ आपको करना है। अदरवाइज यही माना जाएगा कि आपने रिफ्यूज करी है सूचना और जानबूझ के नहीं दी है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू चल रहा है वो है कि सूचना आयोग का निर्माण कैसे होता है। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि आरटीआई अमेंडमेंट बिल आया है। आरटीआई अमेंडमेंट बिल कौन सा सेक्शन, आरटीआई अमेंडमेंट कब आया, 2019 में आरटीआई अमेंडमेंट बिल आया जो कि एक्ट बन चुका है। उसने इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज तीनों चीजों को बदल दिया है, उनके टेन्योर को बदल दिया है, उनके सर्विस रूल्स को बदल दिया है। तो क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे, लेकिन अभी पुराना क्या था वो देखते हैं। अधिसूचना के द्वारा सीआईसी का निर्माण होता है, 1+10 सारे के सारे राष्ट्रपति से नियुक्त होते हैं। पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रारूप के तहत दिलाई जाती है, फर्स्ट शेड्यूल में जो शपथ है वो दिलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। कहाँ होगा मुख्यालय, दिल्ली में होगा, और बिना किसी दूसरे प्राधिकारी के निर्देशों के अपनी शक्ति का उपयोग करते रहेंगे। नेक्स्ट, योग्यता के मापदंड क्या है और सीआईसी एवं आईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो सार्वजनिक जीवन का कोई भी प्रसिद्ध इंसान, ब्यूरोक्रेट या किसी भी क्षेत्र में अग्रणी इंसान सीआईसी या आईसी के लिए उपयुक्त है। बस आप संसद और राज्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और कौन नियुक्त करते हैं इनको, इसकी कमिटी भी फिक्स है फ्रेंड्स, और इसकी कमिटी है प्रधानमंत्री,
एज अध्यक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। बेसिकली इसमें सत्तारूढ़ पार्टी का मेजॉरिटी होती है और वही लोग डिसाइड करके सीआईसी और आईसी को नियुक्त करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोस्ट है। नेक्स्ट, कार्यकाल एवं अन्य सेवा शर्तें क्या है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे 5 वर्ष एवं 65 वर्ष लिखा है। सीआईसी के लिए देखेंगे आगे कि क्या चेंज हुआ है और आईसी के लिए देखेंगे क्या चेंज हुआ है, क्योंकि ये चीज चेंज हो गई है। सीआईसी पुनः नियुक्ति के योग्य नहीं है, ध्यान रखें। वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होगा, ठीक है, आईसी का। इसमें सीआईसी सीईसी के बराबर होगा, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगा सीआईसी का वेतन। और इसमें सीआईसी के सेवाकाल के दौरान कोई गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। आप उनकी सैलरी को डिक्रीज नहीं कर सकते, उनसे पहले कर सकते हैं, उनके आने से पहले, लेकिन उनके सेवाकाल में नहीं कर सकते। उनके कार्यकाल और बाकी चीजों की शर्तें क्या है, तो कार्यकाल हम देख चुके हैं, 5 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो वो कार्यकाल है। और सेवा शर्तें और बाकी चीजें हम देख चुके हैं, मोर और लेस सेम क्वेश्चन को हमने घुमा के बोला था। सेक्शन 13 में मोर और लेस सारे के सारे कार्यकाल और सेवा शर्तें दिए हुए हैं। राज्य सूचना आयोग का निर्माण कैसे होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन का ही निचला रूप या छोटा पैरेलल रूप एक तरह से आपका राज्य सूचना आयोग होता है। पद की शपथ वहां राष्ट्रपति दिला रहे थे, यहाँ राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यालय राज्य सरकार जहां पे चाहे वहां पे हो सकता है। और आयोग अपनी शक्ति का प्रयोग किसी भी प्राधिकारी के बिना करता है। राज्य सूचना आयुक्तों की योग्यता मापदंड एवं नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। वहां पे प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे। वहां पे विपक्ष के नेता थे, यहाँ भी विपक्ष के नेता है। वहां कैबिनेट मंत्री थे, यहाँ भी कैबिनेट मंत्री है। एज इट इज नीचे ले आएंगे, चेंजेस देखेंगे, चेंजेस हो चुके हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोगों की शक्तियां एवं कार्य क्या है। क्या शक्तियां हैं वो तो हम देख चुके हैं कि पीआईओ की अगेंस्ट सेकंड अपील का काम करते हैं हमारे जो भी सूचना आयोग है, ठीक है। अगर कोई पीआईओ इंफॉर्मेशन नहीं देता तो उसको पेनलाइज करने का, उसके अगेंस्ट दांडिक दंड का प्रयोग करने का कार्य हमारे सूचना आयोग करते हैं। सीआईसी एससीआईसी सिविल न्यायालय की शक्तियां रखते हैं, तो जांच और निरीक्षण का, जांच और निरीक्षण या फिर की इंस्पेक्शन और जो भी मॉनिटरिंग से रिलेटेड काम है उसके लिए बोल सकते हैं। और किसी भी पर्सन को कोर्ट ऑफ लॉ में कॉल कर सकते हैं गवाहों और दस्तावेजों के लिए और उनको मंगवा भी सकते हैं। और साथ के साथ किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकते हैं कि हमारे निर्णय की पालना की जाए। नेक्स्ट, आरटीआई एक्ट के तहत दंड के क्या प्रावधान है, दंड के प्रावधान है, हाँ दंड के प्रावधान है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में प्रोबेबल है। 250 रुपए पर डे की पेनल्टी और 25,000 रुपए तक के लिए जिम्मेदार होगा कौन, पर्सन इटसेल्फ, गवर्नमेंट नहीं देगी, सरकार नहीं देगी, पर्सन देगा। कब, किस किस केस में, जब आपने आवेदन स्वीकार नहीं किया, अगर आपने देरी कर दी, दुर्भावनावश सूचना देने से मना कर दी, देरी कर दी या मना कर दिया, और जानते हुए भी आपने असत्य या भ्रामक सूचना दी। कई बार होता है ना, पूछा कुछ और है और उत्तर कुछ और दे दिया, तो वही चीज अगर गवर्नमेंट का कोई भी एम्प्लॉय करता है या पीआईओ करता है इन दिस केस, तो उसके अगेंस्ट ये दंड के प्रावधान है, 250 रुपए प्रतिदिन और 25,000 रुपए तक का दंड। नेक्स्ट, आरटीआई एक्ट के तहत न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। तो न्यायालय से यहाँ पे मतलब आपके जो कोर्ट्स हैं उनके बारे में है। तो न्यायालय को वर्जित किया गया है आरटीआई एक्ट के तहत दिए गए आदेशों के विरुद्ध, अध्यादेश न्यायालय वर्जित है। सीधा का सीधा आपका जो ऑर्डर है और आपकी जो अपील है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। किस आर्टिकल के थ्रू जाएगी वो भी आप देखिए, जाएगी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर। आर्टिकल 32 आपके सुप्रीम कोर्ट को राइट्स देता है राइट्स को एनफोर्स करने का, और क्योंकि इंफॉर्मेशन का अधिकार आर्टिकल 19 के अंदर आ चुका है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार प्राप्त है। और बाकी सारी रिट्स जिनको हम बोलते हैं रिट्स ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी, ये चारों रिट्स
के अलावा बाकी रिट्स हाई कोर्ट भी परस्यू कर सकता है 226 के अंदर, तो इसलिए हाई कोर्ट के पास भी सेम चीजें जा सकती हैं और हाई कोर्ट भी इनके ऊपर जुरिसडिक्शन और अपीलेट अथॉरिटी का काम कर सकता है। फाइनल, केंद्र एवं राज्य सरकारों की आरटीआई एक्ट के तहत भूमिका क्या है? तो केंद्र और राज्य सरकारें, पहली चीज जो आपको याद होगा, सेक्शन 3-4 के तहत सुओ मोटो डिक्लेरेशन करें इंफॉर्मेशन का, पब्लिक अथॉरिटीज को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रोत्साहित करें, डिजिटल जाने के लिए प्रोत्साहित करें, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के लिए फंड्स प्रोवाइड करें और उसके लिए प्रोत्साहित करें, और हर चीज का प्रकाशन करें, हर वेबसाइट पे पीआईओ का प्रकाशन करें, हर ऑफिस के बाहर पीआईओ का बोर्ड लगाएं और सारी की सारी सूचना का के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो फ्रेंड्स, ये था आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही इजी टू फेच है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके अंदर कंटेम्पररी चीज क्या हुई है। 2005 का आरटीआई था, आरटीआई अमेंडमेंट बिल आया 2019 के अंदर, तो उसके अंदर चेंजेस क्या क्या आए, इसके अंदर बेसिक जो चेंजेस आए थे, पहले था सीआईसी का टेन्योर, सीआईसी और आईसी का जो टेन्योर था वो 5 साल था, ठीक है। अब सेंटर नोटिफाई करेगा टेन्योर, अब फिक्स टेन्योर नहीं है, जो 5-65 मैंने आपको बताया था और ये बोला था कि बाद में बताऊंगा, तो ध्यान रखिए 5-65 अब फिक्स टेन्योर नहीं है, अब सेंटर नोटिफाई करेगा कितना टेन्योर रहेगा, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे अलग अलग बार अलग अलग चीजें बताएगा। क्वांटम ऑफ सैलरी, पहले कहा गया कि सीआईसी की सैलरी किसके बराबर होगी, सीईसी के बराबर होगी, अब क्या है, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ दीज ऑफिसर्स विल बी डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अब वापस से वो चीज हटा दी गई, सीईसी के बराबर नहीं होगी और अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, तो दोनों ही चीजों में कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन ले आई गवर्नमेंट। और डिडक्शंस एंड सैलरीज, पहले था इफ सच ऑफिशियल्स आर रिसीविंग पेंशंस तो देयर सैलरीज विल बी रिड्यूस्ड बाय इक्वल अमाउंट ऑफ पेंशंस, पे माइनस पेंशन वाली चीज थी, अब इस तरह के प्रोविजंस को हटा दिया गया है। तो इसका चौतरफा विरोध हुआ है और चौतरफे विरोध की वजह से यूपीएससी ने भी सेम इसी कारण ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन क्या पूछा यूपीएससी ने, उन्होंने पूछा रीसेंट अमेंडमेंट्स टू द आरटीआई एक्ट विल हैव प्रोफाउंड इंपैक्ट ऑन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस। हमारे टॉपिक का नाम है कंटेम्पररी लीगल इश्यूज, तो सिमिलरली आरपीएससी में भी ये क्वेश्चन हो जाता है प्रोबेबल। तो क्वेश्चन क्या है आरटीआई, इसका हम देखेंगे पहली चीज, इसका इंट्रो क्या दे सकते हैं अगर जरूरत पड़ी, 10 नंबर तो आएगा नहीं, तो हम इंट्रो की जगह सीधा जाएंगे बॉडी पे। इंट्रो होता तो होता, आरटीआई एक्ट इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, ठीक है भाई। फीचर्स क्या है 2019 के, जैसा हमने देखा कि 2005 में सीआईसी का स्टेटस सीईसी के बराबर था, 2019 में ये चीज सैलरीज कंडीशंस अलाउंस टर्म्स ऑफ ऑफिस सब कुछ रिमूव कर दिया गया और सारी, अब सीआईसी इज नॉट इक्वल टू सीईसी इन एनी कंडीशन, किसी भी चीज में सीआईसी सीईसी के बराबर नहीं है। इश्यू क्या है कि सीआईसी इज इक्वेटेड टू सुप्रीम कोर्ट जज बट ऑर्डर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी चैलेंज इन हाईकोर्ट, सीआईसी सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर बता रहे हो आप, लेकिन अब उसके ऑर्डर्स आप हाईकोर्ट में भी चैलेंज करवा रहे हो, यूनिफॉर्मिटी रही नहीं। SIC जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो अकाउंटेबल नहीं रहे विधायिका को, स्टेट लेजिस्लेचर को, क्योंकि अब उनकी एनुअल रिपोर्ट स्टेट लेजिस्लेचर पे नहीं जाएगी, अब कहाँ जाएगी, गवर्नर के पास जाएगी भैया, तो गवर्नर के पास जाएगी, गवर्नर सीधा सेंटर को भेजेगा और सेंटर का आप कहीं ना कहीं फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाती हुई एक चीज है। इंफॉर्मेशन कमीशन को स्टेटूटरी बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी कैसे क्लासिफाई कैसे किया जाए कि इसकी पावर्स वेरीड है, और रिसेंटली गवर्नमेंट ने सैलरीज इंक्रीज कर दी है ऑफ ट्रिब्यूनल्स टू दैट ऑफ सुप्रीम इलेक्शन कमीशन एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, और ट्रिब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के इक्वल नहीं किया जा सकता, तो ये बेसिकली सेंटर ने बोला, इस वजह से हमने चीजें चेंज करी है, लेकिन पॉइंट है कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन कमीशन को वीक किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि अगर आरटीआई का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या है। उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जिस प्रकार से हैं कि 10 साल आरटीआई के हुए थे,
2016 के अंदर, उस टाइम पे एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट ने कहा था कि 50 लाख एप्लीकेशंस हर साल आई है, आरटीआई की सफलता देखिए, और 2% पॉपुलेशन इससे प्रभावित हुई है, विच इज ऑल्सो गुड नंबर। सिटीजनशिप और एक्टिविज्म की वजह से ये सारी चीजें हुई है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्म्ड हो गई है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग हुई है, कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। लेकिन क्या मिसयूज हो रहा है? कुछ लोग बोलते हैं कि मिसयूज हो रहा है, तो एनसीपीआरआई जो है, एनसीपीआरआई एक एजेंसी है, और उन्होंने बोला कि 1% से भी कम केस फॉल्स आते हैं, तो ये सच नहीं है। सेक्शन 8 में चीजें एकदम ऑब्जेक्टिव है, तो वो भी उसमें भी कुछ गलत नहीं है। और एनसीपीआरआई कहता है 74% इन्फॉर्मेशन को आप सुओ मोटो भेज सकते हो, ठीक है, और गवर्नेंस पे भी इस पे कोई खास इश्यू आ नहीं रहे। तो ये सारी चीजें कही एनसीपीआरआई और इन्होंने। लास्ट हम देखेंगे कि सेकेंड एआरसी के ऑब्जर्वेशंस क्या रहे इस पर्टिकुलर चीज के अंदर। तो सेकेंड एआरसी ने बेसिकली फ्रेंड्स कहा कि एनजीओस को यूज करें आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, फाइल्ड और नोटिंग्स भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है, उनको भी रिलीज करो, और जुडिशियरी से लेकर लेजिस्लेचर तक इंप्लीमेंट करवाओ जहां तक भी ओपन हो सकता है। और एक सबसे खास चीज बोली जिसके साथ हम भी कंक्लूड करेंगे, वो ये चीज थी कि ओथ ऑफ सीक्रेसी जो अभी सब ले रहे हैं, उसकी जगह क्या दिलवाना है? ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ओथ ऑफ सीक्रेसी टू बी रिप्लेस विद ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये फाइनल काम है जिससे हमारी चीज पूरी हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, keep sharing.